टॉप थ्री बेस्ट 108 मेगापिक्सल कैमरा फोन्स अंडर 13,000 रुपीज। सो गाइस यार, आजकल हमें काफ़ी कम प्राइस पर 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा फोन्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो 108 मेगापिक्सल के सेंसर हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर ही देखने को मिलते थे। सो अगर आप आज 108 मेगापिक्सल का कैमरा फोन लेना चाहते हैं तो आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ऐसे तीन स्मार्टफोन जहाँ पर ना केवल आपको अच्छा कैमरा मिलेगा बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी, एक अच्छा लुक भी होगा, लंबी चलने वाली बैटरी और साथ ही साथ बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूज़र्स की जिनका बजट 10 से 11 हज़ार रुपये है और उन्हें इस प्राइस पॉइंट में 108 मेगापिक्सल का कैमरा वाला फ़ोन लेना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं Realme का C53। दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के यहां पर काफ़ी कमाल के हैं। वैसे आपको बता दूं कि फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस और 186 ग्राम्स के साथ में आता है। सो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फ़ोन के डिस्प्ले की। तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.74 इंचेस की एक बड़ी सी HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। और रही बात गेमिंग की तो 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी डिसेंट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के मेन हाईलाइटेड फीचर्स यानी फोन के कैमराज की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं दो कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है और यहाँ पर आपको सैमसंग का S5 के HM6 वाला ISO सेल का सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 10x की डिजिटल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और रही बात सेकेंडरी लेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का छोटू सेंसर दिया गया है। इमेज आउटपुट की बात करें तो आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर भले ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जो आउटपुट है वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट ही मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर जहाँ पर आपको स्क्रीन फ्लैश का सपोर्ट भी मिलता है और दोस्तों यहाँ पर भी आपको डिसेंट टाइप के आउटपुट मिल जाते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट से आप यहाँ पर HD+ की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक का T612 का चिपसेट जो कि 12nm पर बेस्ड है, लेकिन आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया है, तो डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। चलिए अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 2TB तक का मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। सो अगर आप यहाँ पर इस बजट के अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर वाला फ़ोन लेना चाहते थे तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपये। चलिए बढ़ते लिस्ट में आगे और बात करते हैं अगले फ़ोन की। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन हालांकि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन और साथ ही आपको काफ़ी अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है और ये फ़ोन है यहाँ पर Redmi का Note 11s। अंडर वैल्यूड है बट आपको यहाँ पर फोन काफ़ी अच्छा मिलता है। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फोन के काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन के साथ में आपको मिल जाता है। बात करें डिस्प्ले की तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.43 इंचेस के फुल HD+ वाली AMOLED की पैनल जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 1000 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी आपको मिल जाती है।
सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं चार कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, इमेज आउटपुट भी आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें सो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। वहीं पर अगर हम बात करें फोन की परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 NM बेस MediaTek Helio G96 का चिपसेट। तो G99 के कंपेयर में आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है, क्योंकि फोन यहाँ पर लगभग 3 लाख के आसपास ऑन द टू पर स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई खास दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलती है 5000 mAh की बैटरी, 33W चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉड्यूल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के MIUI 13 पर, लेकिन बहुत जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ढेरों सारे फीचर्स चाहिए, अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 64 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999। और फाइनली बात करें लिस्ट के आखिरी फोन की, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स का Note 30 5G। फोन की दोस्तों तो ये फोन चीप प्राइस पर आपको बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको ग्लास बिल्ड के साथ में मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक वेगन लेदर वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है फोन की, वो यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.78 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, 580 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इनडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है। रही बात गेमिंग की, तो 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। हालांकि डिस्प्ले क्वालिटी IPS है, लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी दोस्तों वो बहुत ही कमाल की है। बात करें कैमरास की, तो आपको यहाँ पर बैक साइड में 3 कैमरास दिए गए। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.75 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ दिया गया, और आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर भी देखने को मिलेगा। बैक कैमरा मॉड्यूल आपको हालांकि थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी फोन की अच्छी है, डे लाइट में आपको फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहां पर आपको ड्यूल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपको यहां पर एक डिसेंट सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आपको यहां पर 2K तक की वीडियो का रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS, और फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते और बात करते अब यहां पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है 6 NM बेस MediaTek Dimensity का 6080 का चिपसेट। और दोस्तों ये जो चिपसेट है, ये आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑन द टू पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ आपको गेमिंग के लिए यहाँ पर दिया गया G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग भी करा देता है। तो अगर आप यहाँ पर हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क वगैरह भी करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। बात करें अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, साथ ही साथ ये फोन 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से गेमिंग के समय पर अगर आप इस फोन को चार्ज करते हैं, तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, ये काफ़ी कम हीट होता है, और अगर आप चाहें तो इस डिवाइस की मदद से अपनी और किसी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, जहाँ पर आपको JBL ट्यून्ड स्पीकर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आउटपुट है दोस्तों, वो तो यहाँ पर काफ़ी कमाल के हैं। रही बात यहाँ पर कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और साथ ही साथ ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर। और बात करें दोस्तों यहाँ पर 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है। तो चलिए फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपये। अभी आपको 1500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर लगाते हैं, तो इफेक्टिवली ये फ़ोन आपको मिलेगा 13,499 रुपये की कीमत पर। सो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। सो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो फोन काफ़ी अच्छा है, 5G का सपोर्ट है, साथ ही साथ आपको अच्छे कैमरास और बेटर स्पेसिफिकेशन भी मिलती है, तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं 108 मेगापिक्सल कैमरास के साथ में, और आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा।
और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।